Hey, hi, good afternoon. Let's start. आज का टॉपिक है हमारा वेस्टर्न लुक का वेरिएशन एंड ब्रिज स्टाइल। स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न लुक के वेरिएशन के साथ। वेस्टर्न लुक में दो टाइप से कर सकते हैं। अगर किसी को हाइट क्रिएट नहीं करनी है सो हम लो पे ले सकते हैं, मतलब टॉप पे नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मिडल पार्ट लूंगी। सेक्शन वैसे ही है, बस इसमें पफ क्रिएशन का पार्ट नहीं होगा। विदाउट पफ सारे वेरिएशन होने वाले हैं। फिर ईयर टू ईयर सेक्शन, फोर फिंगर का ही मेजरमेंट लेना है। जो हम ईयर टू ईयर सेक्शन करते हैं वही लेना है। सेम ऑन अनदर साइड। अभी पोनी करनी है। पोनी भी सेम, या तो दो टाइप में होती है। बहुत हाइट नहीं चाहिए किसी को तो हम टॉप ऑफ द ईयर यहाँ पे पोनी लेते हैं, या तो फिर टॉप ऑफ द हेड यहाँ पे, मतलब ऊपर से टू फिंगर छोड़ के, या तो फिर यहाँ पे और यहाँ पे, दो डायरेक्शन होते हैं पोनी करने के। जिसको हाइट देनी है एकदम ऊपर पोनी करेंगे अच्छे से। यही सारे वेरिएशन जो मैं अभी दिखा रही हूँ हाई पे, वही सारे वेरिएशन आप लो बन पे भी कर सकते हो। लो बन पे कहाँ पे, मतलब आपका लो बन होगा वो टॉप ऑफ द ईयर पे आपकी पोनी होनी चाहिए। तो आपका ये क्रिएशन आप एज अ लो बन भी किसी को भी दे सकते हो। एकदम फिनिशिंग के साथ में आपका सारा पार्ट, सारा एरिया अच्छे से ऊपर आना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी गैपिंग नहीं देनी चाहिए। डबल रबर बैंड, पोनी लूज ना हो इसीलिए यहाँ पे डबल रबर बैंड करनी है। और ये पोनी को बिना छोड़े, नहीं तो यहाँ से लूज हो जाएगी। टाइट करो और यहाँ पे आपको इसको लॉक करना है। बिग साइज बॉबी पिन लो, एक यहाँ से इंटरलॉक करो यहाँ से। ठीक है,
अभी ये पोनी बिल्कुल भी हमारी लूज नहीं होगी। अभी यहाँ पे नीचे हम एक स्टफिंग को ऐड करने वाले हैं, एक राउंड शेप का स्टफिंग, या तो आपको मैंने सिखाया है बैक कॉमिंग से राउंड शेप का स्टफिंग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं रेडीमेड अब फटाफट लगाती हूँ ताकि बेस अच्छा स्ट्रांग रहे और बालों का वेरिएशन करने के लिए हमारे पास बाल बचे। किसी के कम बाल है तो उस बालों का आप वेरिएशन के लिए यूज करो और ये आर्टिफिशियल स्टफिंग लगा दो। इसके ऊपर हमने यहाँ पे अभी पहले अभी मूव ऑन करते हैं फ्रंट के पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम फ्रंट में वेरिएशन सीखेंगे और फिर बैक के वेरिएशन आज सीखेंगे। वेस्टर्न में कभी भी पहले आपको फ्रंट कंप्लीट करना है देन बैक। आज का फुल टॉपिक हमारा वेस्टर्न लुक का ही है। वेस्टर्न लुक में सबसे पहले वेरिएशन अप लुक है, साइड लुक है, फुल अप किसी को नहीं चाहिए तो हम आगे से भी एक पार्टीशन रख सकते हैं। तो मैं टोटली अलग अलग वेरिएशन आपको दिखा रही हूँ। फुल अप किसी के फेस पे फुल अप भी अच्छा लगता है, सूट होता है उनके फेस पे, तो वो भी कर सकते हो आगे की तरफ वेरिएशन। यहाँ पे सबसे पहले आपको बॉक्स पार्टिंग यूज करना है। बॉक्स पार्टिंग यानी मिडल ऑफ द आईब्रो, मिडल ऑफ आईब्रो थोड़ा सा स्लांट लेना है, क्रॉस, स्ट्रेट नहीं लेना है, क्रॉस लेना है। अभी जिसे इस पे बाउंस आया है, वैसे रियल हेयर पे भी अगर बाउंस चाहिए तो हम बाउंस कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं पहले सिखाती हूँ आपको कैसे बाउंस क्रिएट करना है। यहाँ पे बाउंस क्रिएशन के लिए बैक कॉमिंग करेंगे, बैक कॉमिंग 90 डिग्री से आके 180 डिग्री बैक कॉमिंग करो, हार्ड स्प्रे अगेन आगे रखो, बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट, टू पार्ट मैंने डिवाइड किया और एक पार्ट हमारा प्लेन ही रहेगा फिनिशिंग लेयर के। अगर यहाँ पे भी बैक कॉमिंग की तो ये पार्ट आपका खराब हो जाएगा। सी द हाइट क्रिएशन, अभी आपको इसको यू पिन से ही लॉक करना है, बॉबी पिन से नहीं करना है। कहाँ पे करोगे यू पिन से लॉक? जहां पे आपका रबर बैंड है एग्जैक्ट वहीं पे, रबर बैंड पे टच होना चाहिए। सी नाउ प्लेन पार्ट भी रख सकते हो, इस पे आप पुलिंग टेक्निक भी यूज कर सकते हो। पुलिंग टेक्निक कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले साइड, साइड डाउन होना चाहिए, फिर मिडल आगे की तरफ खींचो, जितना पुल करते हो वो एरिया में यू पिन लगाओ, होल्डिंग के लिए रखो यू पिन होल्डिंग। सेक्शन देखा एकदम आगे से पीछे तक क्लियर सेक्शन है, यहां से फिर इसको हम मोल्ड करेंगे वो साइड और डायरेक्शन देंगे। सी द डायरेक्शन एस फॉर्म, एस फॉर्म मैंने पर्फ में सिखाया था कैसे करना है, स्ट्रेट और क्रॉस, ताकि यू पिन का डायरेक्शन एक राइट है तो एक लेफ्ट है, ऐसे ही रखना है। आप स्ट्रेट भी ले सकते हो, डायरेक्शन देना है तो इसमें डायरेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। फ्रंट से मैंने एक देखो सेक्शन लिया, वही सेक्शन को हल्का हल्का बार लिया एकदम फ्रंट से।
बैक कॉमिंग एकदम स्मूथली, बैक कॉमिंग आपकी आउट होनी चाहिए। डायरेक्शन एंड द गैपिंग, गैपिंग शुड बी इक्वल, यहां से भी सेम। डाउन, यहां पे भी एक ले लेंगे। स्ट्रेट एंड जो डायरेक्शन में मोल्ड करना है वहां पे आप उसको पुल करो। अभी मुझे यहाँ पे लेना है तो मैंने इसको यहाँ पे किया। अपोजिट डायरेक्शन रखना था, ऐसे करना था तो मैं उसको वो साइड लेती, ऐसे। तो हमारी यूपिन का डायरेक्शन ये और ये यूपिन का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे। इसको भी फिर अंदर और ये डायरेक्शन हो जाएगा आउट, इन और आउट। एक एकदम आगे और दूसरा पीछे की तरफ, ठीक है। दोनों तरफ का डायरेक्शन दिखाया, कैसे लेना है, कैसे करना है, डायरेक्शन वाइज चेंजेस। आई होप पुलिंग टेक्निक अभी ट्राई करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये मैंने किया है फ्रंट में फुल पुल। किसी किसी के फेस पे ये फ्रंट एकदम फुल नहीं सूट होता है, बिकॉज फेस ऑलरेडी बड़ा होता है, हमने पुल कर दिया, इतना हाइट दे दिया तो ऑलरेडी उनका हाइट और बढ़ गया। तो ये कैसे फेस पे आपको ये पुलिंग करनी है, जहां पे फेस छोटा है, राउंड फेस है, वैसे फेस पे आप लॉन्ग पुल कर सकते हो। एल्स यही पुलिंग अगर आपको देनी है फ्रंट में एक पार्ट को छोड़ के, ये मैं आगे भी दिखाऊंगी नेक्स्ट वेरिएशन में कि आपको कैसे करना है, एक पार्ट आगे छोड़ के यही वेरिएशन हम कोई भी हेयर में कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं फुल अप ले रही हूँ अभी फ्रंट, यहाँ पे कभी भी एक साथ पूरा राउंड लेना है तो एक साथ नहीं लेना है, तीन पार्टीशन में लेना है, मिडल लेफ्ट राइट। यहां से मैंने लिया दूसरी साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड रखा, अगेन फुल पुलिंग। फुल अप लूप, यहां से पूरा अप लूप पीछे तक, सी यहां तक मैंने उसका लाइन क्लियर सेक्शन लिया है। यहां पे भी हम इसको डायरेक्शन दे सकते हैं ऐसे, जितना आप चाहिए उतना आप हम यहां पे भी दिखा सकते हैं। के ऊपर हार्ड स्प्रे करना है आपको। ये हमारा आज का फर्स्ट वेरिएशन था, फ्रंट वेरिएशन फॉर वेस्टर्न लुक क्रिएशन। जो डायरेक्शन में हेयर लेके जाने हैं वही डायरेक्शन में हेयर को कोम करो। बैक कॉमिंग, रूट बैक कॉमिंग, सिर्फ रूट बैक कॉमिंग, ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं करनी है। यहां से अगेन कहां पे रखा है, इसके पीछे की साइड में। इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे वो साइड के हेयर को, सेम ये साइड भी वही।
पूरा सेक्शन क्लियर करो। कैसे ले रही हूँ, यहाँ पे पुल किया, फिर वही लाइन को मैं ऐसे बाहर निकाल रही हूँ। अब सपोज मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो हम कॉम भी कर सकते हैं, बट कहीं पे बहुत रफनेस से सेक्शन क्लियरली आउट नहीं हो रहा है तब हम ये वाला कॉम, पॉप कॉम यूज करेंगे। सेक्शन को अगर बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग है या टैंगल है तो हम इसको रिमूव करके एक पतला लेयर यहाँ से ले सकते हैं। अच्छे से सेक्शन आपका बाहर आएगा, क्लियर एक सेक्शन। देखो सेक्शन कितना क्लियर है, पतला है और एकदम परफेक्ट बाहर आएगा, तभी ये वाला पॉपकॉर्न हमारा बहुत काम आएगा हमें। अगेन क्लियर, समझ में आया? यहाँ के सेक्शन को भी यहाँ से अंदर फुल अप लुक और साइड से डाउन। ये सेक्शन के हेयर जो आगे से आए हैं इसके नीचे ही इसको दबा देना है यहाँ पे और यहाँ पे। वेरिएशन के लिए छोटे छोटे बाल रहेंगे तो वो यूज ना करें, ठीक है? और ऊपर से भी जो हेयर आए हैं ये टुकड़े टुकड़े बाल, उसको भी आप डिवाइड करके यूज करना है तो करें, अगर बहुत छोटे हैं तो इसको भी डिवाइड करके नीचे की तरफ हम डाल सकते हैं। ये हेयर को ऊपर लेके इसको भी नीचे की तरफ डाल दो स्टफिंग के ऊपर, ऐसे हार्ड स्प्रे करके बंद कर दो उसको, ठीक है? इसके साथ बैक में वेरिएशन दिखा रही हूं, सिंपल पुलिंग कर सकते हैं बैक में। पुलिंग के साथ में दो तीन अलग अलग वेरिएशंस है। सबसे पहले शाइन स्प्रे, क्लियर सेक्शन है इसीलिए अच्छे से शाइन स्प्रे करो, कॉम करो, हेयर को अच्छे से सेट करो सारी डायरेक्शन में। अगर वॉल्यूम नहीं है हेयर में, इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है बट नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक एक सेक्शन लेना है और बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग कैसे करोगे अभी वॉल्यूम के लिए, ऐसे नहीं करनी है। जब भी आपको ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना है तो बैक कॉमिंग ऐसे ऐसे होगी आपकी, बैक कॉमिंग नीचे से ऊपर और फिर इसको स्प्रेड कर, तो खुद से एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा आपका। अच्छे से मैंने पूरे हेयर पे फिर स्टफिंग पे पहले उसको स्प्रेड किया। नाउ द टर्न फॉर पुलिंग टेक्निक। पुलिंग टेक्निक कैसे करेंगे, टॉप ऑफ द यहां से उठाना है और क्लियर सेक्शन आउट करना है लाइक दिस। फर्स्ट सेक्शन फटाफट फटाफट, जब हमें वेरिएशन चाहिए रहते तब हम ये बहुत सिंपल क्विक यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वेरिएशन हैं जो हम फटाफट से क्रिएट करके दे सकते हैं क्लाइंट को। ये हो गई हमारी सिंपल टेक्निक, पुलिंग टेक्निक ऑन। अभी इसको हार्ड स्प्रे से लॉक कर दो सबको।
अभी ये बीच में गैपिंग है, आप ये ऐसे भी रख के बंद कर सकते हो। अगर बीच में ये जो गैपिंग है वहां पे भी आपको क्रिएट करना है, तो नीचे से और एक ले सकते हो जो बीच में से स्टार्ट होगा। देखा, ये मेरा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मिडल में से। तो ऐसे भी ले सकते हो, अप एंड डाउन दो दो बीच में और एक नीचे से ऐसे। बट ये अगर नीचे गिर रहा है, आपको स्प्रे कैसे करना है, यहाँ पे ऊपर उठा के फिर इसको स्प्रे करो ऐसे, तो उसको ऊपर तक हाइट मिलेगी। ऐसे पकड़ना है अच्छे से, क्लियर सेक्शन निकालो, यहां से ऊपर पकड़ो तो ये ऊपर होगा, फिर उसको ऊपर से स्प्रे कर दो तो ये हाइट में ही रहेगा। हाँ, फिर दिखा रही हूँ, आगे भी सेम कंटिन्यू। फिर यहाँ पे एक साथ आप यहाँ पे रबर बैंड कर सकते हो, क्रॉस कर दो, और जो भी बचे हुए बाल है रबर बैंड डालने के बाद अंदर डाल दो और यहाँ पे पिन कर दो नीचे से, यू पिन करके इसको लॉक कर दो। दिस वन इज अवर फर्स्ट वेरिएशन। मैं ऐसे ही अभी दिखा रही हूँ, लॉक नहीं कर रही, बिकॉज मुझे नेक्स्ट वेरिएशन दिखाना है। यहाँ पे मैंने यू पिन डाला, इसके ऊपर आप बॉबी पिन डालो। अभी छोटे से ही हेयर है तो मैं इसको ऐसे ही टर्न करके यहाँ पे इजीली स्टफिंग है मेरा, स्टफिंग के यहाँ पे साइड में अटैच करके यहाँ पे इसको लॉक कर सकती हूँ। ये भी एक आप कर सकते हो क्विकली। नेक्स्ट वेरिएशन, ये हमारा फर्स्ट वेरिएशन था। यहाँ से फुल बंद, पुलिंग टेक्निक। नाउ द सेकेंड वेरिएशन, स्प्रेडिंग टेक्निक सीखेंगे अभी हम इसी के ऊपर। पार्टीशन सेम रहेंगे, मिडल पार्टिंग हाई पोनी करना है अभी। अभी जिसको मैंने बताया जिनको एकदम ऊपर नहीं चाहिए, तो यहां से स्ट्रेट पार्टीशन अलग कर देंगे फ्रंट के लिए। एकदम छोटा सेक्शन लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना है। इसका वेरिएशन दिखाऊंगी आपको, 2-3 वेरिएशन ऐसे कैसे लेना है, इसका भी वेरिएशन वो दिखते हैं और ये वाला वेरिएशन सीखते। Again, the back coming, front part. यहाँ पे अभी मैं plain part ले रही हूँ without any pulling. अभी यहाँ पे हमने एक साथ लिया था, उसको अभी two part में divide करेंगे।
टू टू थ्री पार्ट में अकॉर्डिंग टू हेयर वॉल्यूम आप डिवाइड कर सकते हो हेयर को। फर्स्ट सेक्शन स्प्रेडिंग टेक्निक के ऊपर है, तो मैंने पूरा वेरिएशन फ्रंट बैक स्प्रेडिंग टेक्निक लिया। यहाँ पे अच्छे से यहाँ तक लेके आना है, तो मेरे को कोम यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेट, सिर्फ यहाँ से हम स्प्रेडिंग करेंगे। हल्का सा बैक कॉमिंग अगेन यहाँ पे पकड़ के दूसरी साइड में यहाँ पे ऑलवेज ऑपोजिट साइड में यहाँ पे आपको करना है, मिडल में नहीं साइड में, जो साइड से ले रहे उसके दूसरे साइड में ऑपोजिट। एक यहाँ से लिया, दूसरा यहाँ से लेना। सेम स्ट्रेट ऊपर हल्का बैक कॉमिंग इसे लेके यहाँ पे पकड़ा और यहां से स्प्रेड करो। एक के पीछे एक रखना है, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे चार पार्ट ऊपर आने चाहिए आपके। अगेन ऑपोजिट साइड क्लीनिंग कर दिया। यहाँ पे आप लाइन क्रिएशन भी दे सकते हो लाइक दिस, वन टू थ्री फोर फाइव, अलग 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 लाइंस भी बना सकते हो, प्लेन पार्ट भी रख सकते हो। On this side, हल्का सा बैक कॉमिंग, बैक कॉमिंग दो तो कॉर्नर के पार्ट को अच्छे से क्लीन करो। See, वो पार्ट वन टू थ्री फोर, एकदम छोटी छोटी पुलिंग ली है मैंने, बहुत ज्यादा बड़ी पुलिंग नहीं की। सॉफ्ट सॉफ्ट पुलिंग, इसके पहले वाली पुलिंग एकदम बिग थी, यहाँ पे हमने एकदम स्मॉल सटल पुलिंग ली है, छोटी छोटी साइज की, एकदम कम पुलिंग। नाउ द टर्न कम्स फ्रॉम हियर, यहाँ पे मैं अभी इसका मैं अलग अलग टू टू थ्री वेरिएशन दिखाती हूँ। फर्स्ट वेरिएशन सिंपल, किसी के फॉरहेड पे अगर डाउन सूट हो रहा है तो आप यहाँ से डाउन ले सकते हो, फॉरहेड बड़ा है कवर करना है तो डाउनवर्ड लो, यहाँ पे पिन कर दो। अप करना है सबसे पहले, जैसे राइट लेफ्ट हैंड फिंगर यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे टाइट रखो, इसको आप ऊपर लो दोनों जगह से, हार्ड स्प्रे करके लॉक करो और पिन लगाओ। पिन एक यहाँ पे कॉर्नर और एक स्ट्रेट, दो पिन, फिर यहाँ से
आईब्रो लेवल से डाउन। आप चाहे तो इसी के साथ में मर्ज कर सकते हो हेयर को ऐसे, ये इसी के वेरिएशन में मैंने इसको मर्ज कर दिया ऊपर के साथ। देखो वही पार्टीशन में मैंने मर्ज कर दिया। अगर नहीं करना है तो आप इसको डाउनवर्ड यहाँ पे, बट मर्ज करोगे तो ज्यादा बेटर लुक आएगा। ये हो गया आपका सेकंड वेरिएशन। थर्ड वेरिएशन, ये फ्रंट वेरिएशन ऐसे है ना, ये कहीं पे भी आपको फॉरहेड कवर करना है या कुछ वेरिएशन, तो ये सब में बेस्ट लगता है। कोई भी वेरिएशन करो, मेरमेड करो, वेस्टर्न करो, ट्रेडिशनल बन करो, ऐसे वेरिएशन फ्रंट में ये इतना पार्टीशन निकाल के ऊपर का एकदम प्लेन रखो, बस इसका वेरिएशन दे दो तो भी बहुत अच्छा लुक आएगा। इसमें अभी ट्विस्टिंग टेक्निक करेंगे। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अभी इसको हम स्प्रेड नीचे की तरफ स्प्रेड करेंगे, 1, 2। सारे बहुत सारे वेरिएशन है इसको लेके, अगर आपको टेक्निक आती है ट्विस्टिंग पुलिंग स्प्रेडिंग सब कुछ वेरिएशन आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये हो गया हमारा ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में मैंने नीचे की तरफ स्प्रेड किया। भी इसको सेट करने के लिए अगर ऊपर है बहुत ज्यादा तो आप इसको ऐसे यूपिन से नीचे की तरफ करके हार्ड स्प्रे कर सकते हो। यहाँ पे भी डाउन एंड अप दोनों कर सकते हैं। ये मैंने डाउन लिया, मुझे जितना नीचे चाहिए उतना नीचे लेके आ सकती हूँ मैं ये पार्ट को, और यहाँ से फ्रंट का पार्ट हम अप ले लेंगे। ये भी अच्छा लगेगा। स्प्रेडिंग टेक्निक। नाउ टर्न, जो हमने एक पार्ट में डिवाइड किया था हम वो दो पार्ट में भी कर सकते हैं। फ्रंट का पार्ट लाइक इक्वल टू पार्ट में मैंने डिवाइड किया, क्रॉस सेक्शन फर्स्ट पार्ट लिया है, क्रॉस सेक्शन सेक्शन दिख रहा है क्रॉस में लिया है मैंने यहाँ पे हाफ क्रॉस। इसको पहले एक पार्ट डबल पार्ट में हम जो हमने सिंगल में किया वही हम डबल में करेंगे। यहाँ पे स्प्रेड करेंगे, हार्ड स्प्रे करो दोनों साइड, फिंगर से प्रेस ब्लो करो फिर मुंह से, और यहाँ पे लगा दो यूपिन अच्छे से, लगाओ अच्छे से हार्ड स्प्रे करो इसको नीचे। इसी के साथ में मैंने वेरिएशन के साथ ही इसको मर्ज किया है। फर्स्ट पार्ट, अभी इसी के ऊपर हम दूसरा पार्ट लेंगे। हमने फर्स्ट डे के लिए ब्राइडल वेरिएशन जब भी किया था फ्रंट, तभी हमने एक ये ब्रेड बनाया था
वैसे ही स्टाइल में है, बट ये मैंने प्लेन पार्ट लिया बस। यही सेम वेरिएशन आप 3-4 पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकते हो, 3-4 पार्ट रखो और सिर्फ ये वेरिएशन दो तो भी आप कर सकते हो। यहां से स्ट्रेट रखना है, यहां से आपको स्प्रेड करना है। इसको ऊपर से स्प्रे करेंगे और हल्का हल्का होल्ड करेंगे ऊपर की तरफ। ये हो गए हमारे फ्रंट का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। अभी बैक वेरिएशन की तरफ जाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा हेयर आगे से आए हैं इसको पहले हम नीचे लॉक कर देते हैं सब बालों को। इनविजिबल से मैं इसको लॉक कर रही हूँ, छोटी छोटी इनविजिबल से। अभी नेक्स्ट पार्ट स्प्रेडिंग टेक्निक से करना है। ये भी बहुत अच्छे से क्विकली हो जाएगा आपके ब्राइड के ऊपर। क्या करना है आपको, अच्छे से डिवाइड करो, स्प्रेड करो। मिडल में से एक पार्टीशन को अलग करना है। मिडल में से एक पार्टीशन अलग किया, फिर बचे हुए बालों को अच्छे से कोम करके डायरेक्शन स्प्रेड करो, कम ज्यादा ना हो। मिडल में से इक्वली डिवाइड करो दोनों को भी, अच्छे से डिवाइड कर दो। अभी जो हमने फर्स्ट पार्टीशन रखा है ये आप लो बन पे भी वेरिएशन दे सकते हो क्लाइंट को। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा अगर यहाँ पे एकदम फ्लैट हो रहा है, हल्का सा बैक कमेंट करके बाउंस क्रिएशन कर सकते हो। सारे के सारे आपके यूपिन के ऊपर ही रहेंगे, इसीलिए आपका स्टफिंग एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, इजीली यूपिन हो जाना चाहिए अंदर। फर्स्ट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी आप सिंपल रखना है, प्लेन पार्ट प्लेन रख सकते हो। पुलिंग करना है 1, 2 एंड 3। पुलिंग टेक्निक हो गई हमारी। नेक्स्ट यहाँ से अभी 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। पार्टीशन कैसे लोगे, ऐसे स्ट्रेट नहीं लेना है, स्लैंट स्लिपिंग में फर्स्ट लिया, ये आपका अभी गाइडलाइन हो गया यहाँ पे। तो एक पिन यहाँ पे, एक पिन यहाँ पे, ऐसे ही चलना चाहिए।
अच्छे से कॉम्ब करो, शाइन स्प्रे करो और स्ट्रेट यहाँ पे मुझे लॉक करना है। कहाँ पे होल्ड करना है पहले वो डिसाइड करो, यहाँ पे यहाँ तक लेके आओ, फिर यहाँ से स्प्रेड करो। यूपिन लो और ऐसे नहीं करना है आपको, यूपिन का डायरेक्शन ऑपोजिट रखना है, लॉक करना है ना इससे, तो डायरेक्शन ऑपोजिट रखना है। इसमें भी आप पुलिंग कर सकते हो, 1 2 3 या सिंपल टेक्निक मैंने दी है, अगर पुलिंग प्रॉपरली नहीं होती है सीधा सीधा पकड़ो, यूपिन डालो, सेक्शन को पकड़ना है और ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर खींच लो, हो जाएगी आपकी पुलिंग बहुत अच्छे से, सेक्शन भी आउट हो जाएंगे और पुलिंग भी आपकी बहुत अच्छी होगी। कहीं पे भी नहीं समझे तो आप कमेंट्स करना। अगेन ये साइड से अच्छे से पतला सेक्शन, अगेन डायरेक्शन यूपिन के डाउन रखना, बहुत ज्यादा अप नहीं करना। सेकेंड पार्ट अगेन, दूसरा पार्ट लेते हैं इसमें से, कोम करो अच्छे से, स्प्रेड रखो दूसरी साइड यहाँ पे, स्प्रेड करो यहाँ पे, पकड़ के रखो यूपिन, अगेन 3 यूपिन डालो और पुलिंग हो गई। पकड़ के रखना है यहाँ पे, अगर विदाउट यूपिन कर रहे हो सिर्फ पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो और यहाँ पे खींच लो, लूज पकड़ना ताकि ये फुल इजीली हो जाए और उसके ऊपर हार्ड स्प्रे कर दो। नेक्स्ट सेक्शन, ये मैंने 3 सेक्शन में टोटली डिवाइड किया है, आप चाहे तो छोटे छोटे सेक्शन में 4 to 5 सेक्शन में भी डिवाइड करके ये कर सकते हो वेरिएशन। इसमें 3-3 की जगह पे 2-2 पुलिंग होगी फिर, तो वो भी अच्छा लुक दिखेगा। ये आप प्लेन भी रखोगे ना तो उसका लुक भी इतना ही अच्छा आएगा प्लेन का भी। अभी जो ये हेयर एक्स्ट्रा आए हैं इसको हम पहले नीचे की तरफ लेके सबको अंदर डाल देते, देखो अभी जो जब ये लास्ट पार्ट जाएगा तो कोई भी हेयर हमारे बाहर नहीं रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है। अभी लास्ट पार्ट अच्छे से पूरा यहाँ पे देखो, पूरा मैंने शफी मीनार देखे इतना पूरा कवर कर लिया है, इसको भी अंदर डाल देंगे सेम, इसको भी वैसे ही स्प्रेड करो
पे भी इतने ही पुलिंग और यहाँ पे भी पुलिंग। I hope the variation is clear. See the front से लेके back तक। देखो यहाँ पे अच्छे से स्प्रे किया हुआ था, चीन का डायरेक्शन भी प्रॉपर था, तो नीचे फॉल नहीं हुआ, नहीं किया रहेगा तो ये फॉल हो जाएगा तुरंत। ये डिपेंड्स होता है आपके फॉरहेड के, अगर नीचे चाहिए तो आप इसको डायरेक्शन नीचे का भी दे सकते हो, साइड में से अप लिया और ये बैक वेरिएशन। Now, इसमें आप और क्या वेरिएशन कर सकते हो? ट्विस्टिंग टेक्निक, और एडवांस का वेरिएशन, ये हो गए जो दोनों भी वेरिएशन दिखाई, पुलिंग टेक्निक से दिखाया, एक स्प्रेडिंग टेक्निक दिखाया। दोनों भी रियल हेयर पे करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से 5-10 मिनट्स में आपकी वेरिएशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा अगर पुलिंग टेक्निक नहीं कर रहे हो, सिंपल रख रहे हो तो भी अच्छा लगेगा। ना अभी हम इसमें एक 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 सेक्शन से ट्विस्टिंग कर सकते हैं। एक 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 क्लियर सेक्शन लो ऊपर से, और ट्विस्टिंग करो, ये आप पूरे हेयर पे कर सकते हो लाइक दिस, सिंपल ट्विस्टिंग, सिंपल ट्विस्टिंग में पुल, 1, 2, 3, 4 पुल किया, अच्छे से पिन रखो, 1, 2, 3, 4 और ये जो नीचे बच्चे हैं इसको मैं नीचे की तरफ पिन कर दूं। ये हो गया स्ट्रेट पार्ट, स्ट्रेट पार्ट पुलिंग। आप सारे हेयर को ऐसे स्ट्रेट पार्ट में ट्विस्ट कर करके पुलिंग कर सकते हो। पहले सारे स्ट्रेट दिखा देती हूँ, एक आध दो स्ट्रेट दिखाती हूँ, फिर थोड़ा वेरिएशन वाला दिखाती हूँ। सारे हेयर में ऐसे ही इक्वली डिवाइड करो और पूरा बन आपका कवर हो जाना चाहिए। बन कवर नहीं होगा, ब्लैंक रह जाएगा तो नहीं चलेगा। तो आप चाहे तो पहले इतने पार्ट में डिवाइड कर लो और फिर स्टार्ट करो, एक 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 पार्ट में यू पिन लगा के रख दो चाहिए तो। अगेन बहुत लूज ट्विस्ट कर रही हूँ मैं, टाइट ट्विस्टिंग नहीं रख रही हूँ। देखो इसी में हाथ में पकड़ो, फर्स्ट ट्विस्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मामा ठंडे पर नीचे पे का गैपिंग भी नहीं दिखना।
दिखना चाहिए, स्टफिंग दिख के नहीं आना चाहिए। ऐसे भी ले सकते हैं। अब इसी में दूसरा वेरिएशन क्या कर सकते हो, एस फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से मैंने स्ट्रेट इसको डाउन करो और यहाँ से थोड़ा सा पुल करो और ऐसे, तो ये ज्यादा एरिया कवर करेगा, कम पार्ट में आपका फटाफट काम होगा। अराउंड 3 to 4 पार्ट में हेयर को डिवाइड करो और ये वेरिएशन करके दे सकते हो। सेम वेरिएशन को मैंने सिर्फ यूपिन का डायरेक्शन चेंज किया और ये चेंज हो गया। दोनों में फर्क दिख रहा है, ये स्ट्रेट है, ये एस फॉर्म क्रिएट किया। सारे बालों पे आप ये कर सकते हो, सब पे ये कर सकते हो, एक ये साइड एक ये साइड ऑपोजिट साइड, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ। फर्स्ट जो ये वाला है, ये सेम सिंगल ट्विस्ट में मैंने पुलिंग किया है, रखा है। इसमें भी सिंगल पुलिंग किया था लेकिन फिर मैंने यहाँ से राइट, यहाँ से फिर थोड़ा खींच के एस फॉर्म क्रिएट किया है। सो ये भी कर सकते, एक ये साइड में करो ट्विस्ट, एक को ट्विस्ट ये साइड करो राइट। और एक दिखा देती हूँ, दो 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 के पैर बना सकते हो आप। लाइक यहाँ से मैंने ये वाला लिया, दूसरा हम ऐसे करेंगे। अभी मैं ऐसे ट्विस्ट कर रही थी लेफ्ट साइड, अभी हम राइट साइड में ट्विस्टिंग करेंगे। बट ये वेरिएशन करने के लिए आपका क्रिम्पिंग होना जरूरी है हेयर पे। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे ट्विस्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे मैं इसको ओपन भी कर रही हूँ साथ में साथ में। डाउन ये साइड, डाउन यहाँ पे भी डाउन। इसको ये साइड पुल करो और ऐसे हो गया, दोनों साइड ऑपोजिट। एक राइट साइड लिया, एक को हमने लेफ्ट साइड लिया, ऐसे कर सकते हैं। सो ऐसे कॉम्बिनेशन में आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो। सो अभी ये लाइव सेशन में यहाँ पे एंड कर रही हूँ और वापस से 5 मिनट्स में वापस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ लाइव सेशन। ओके।